गया जिले में विधान परिषद का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। लोजपा की एंट्री ने चुनाव को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। अभी तक माना जा रहा था कि मुख्य मुकाबला जदयू और राजद के बीच होगा, लेकिन लोजपा ने सत्येंद्र शर्मा को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय स्वरूप दे दिया है। लोजपा प्रत्याशी की घोषणा काफी देर से हुई, ऐसे में कम समय में ही सत्येंद्र शर्मा को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि उनका दावा है कि रामविलास पासवान के नाम पर उन्हें वोटर का समर्थन और प्यार जरूर मिलेगा। जो भी जनप्रतिनिधि का मुद्दा है उसको पूरा करेंगे। अभी तक आज तक जनप्रतिनिधि से किसी ने मिला जुला अपना आए और गए, लेकिन मैं 3 बार से कंटिन्यू प्रमुख खुलासन का हूँ, प्रमुख संघ का अध्यक्ष भी हूँ जिला जहानाबाद का। जो भी जनप्रतिनिधि का कष्ट है मैं समझता हूँ। बाकी लोग तो आए हवा हवाई में, ना आज तक वार्ड मेंबर रहे ना कुछ रहे, तो प्रतिनिधि का हाल क्या जाने। आए अपना प्रतिनिधि से उनका कार्यकर्ता लोग भेंट किए और बाद वहाँ चल दिए। कार्यकर्ता का प्रतिनिधि का हाल समाचार फिर लेने के लिए 5 साल कभी नहीं आए। मैं इनके बीच में रहूँगा और जो भी इनका काम रहेगा मैं उसको पूरा करूँगा। क्या ऐसा कार्य है जिसको इतने बाद पूरा करना है? कार्य बहुत है, माने किसी भी आज तक वार्ड सदस्य हो चाहे समिति हो, आज तक समय अनुसार न मानदेय मिला न उसका पेमेंट हुआ। जब भी इन लोग हल्ला सुनिए रहे हूँ, कल जहानाबाद जाम करे था समूचा वार्ड सदस्य लोग, कम से 500 की संख्या में, लेकिन सरकार की जो मंशा है उसका विरोध में हम लोग काम कर रहे थे। पंचायत समिति या प्रमुख का 2011 के बाद मनरेगा एक स्कीम होता है वो ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन 2016 से हम लोग लाई लड़े, 18 में उसको भी पास सरकार ने किया कि मनरेगा पंचायत समिति को चालू हो गया। मनरेगा योजना 2011 के बाद पूर्ण रूप में बंद कर दिया गया था। आज तक वार्ड सदस्य या पंचायत समिति या प्रमुख का बात कभी किसी ने सदन में उठाया ही नहीं कि वार्ड सदस्य का क्या प्रॉब्लम है, समिति का क्या प्रॉब्लम है, मुखिया क्या समस्या है, आज तक किसी ने नहीं उठाया। जो भी आया अपना काम किया चला गया। वोट के समय में लोग जाते हैं ले जाते हैं, लेकिन मैं इन लोग के बीच में रहने वाला हूँ। 3 बार से कंटिन्यू हुलासगंज का प्रमुख हूँ और प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए मैं जो भी इन लोग का कार्य रहेगा मैं पूरा करूँगा। लोजपा समर्थक भी अपने उम्मीदवार के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लोजपा नेताओं का साफ कहना है कि वर्तमान MLC की नाकामी ही लोजपा की जीत का आधार बनेगी। आज का जो बैठक का मुख्य मुद्दा है कि MLC के प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हमारे सत्येंद्र कुमार जी बने हैं, आपको 3 बार से रहे हैं, और उसी की तैयारी के लिए सभी जिला के सभी सम्मानित साथी पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय कमेटी से लेकर पंचायत कमेटी बैठा है, हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, हमारे कई प्रमुख हमारे साथी हैं, माने टीकापोच में प्रमुख हमारे पार्टी के हैं, खिजसराय में प्रमुख हैं, हमारे गुड़ारू में दुर्गा भाई एक वोट से प्रमुख, सारे लोग और मुखिया मुखिया पंचायत समिति वार्ड सदस्य हमारे सारे लोग आज बैठे हैं, और निश्चित रूप से हमारा समस्या जो है से जनप्रतिनिधि के उठाने लायक प्रत्याशी कोई है सत्येंद्र कुमार जी हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमारा विजय होगा और उसी के रूप में आज जो है से हम लोग तैयारी हैं। 14 तारीख को हमारा पार्टी का प्रत्याशी MLC का जो सत्येंद्र कुमार जी हैं नामिनेशन करेंगे, उसमें सभी हम प्रेस के साथियों को भी आमंत्रित करते हैं, आप लोग को रहे भी करेंगे, और हमारी सुनिश्चित है कि निश्चित रूप से, इसलिए कि न चिन्हो तो नया किनो, एक लोग कहता है कि न चिन्हो तो नया किनो, तो न चिन्हेगा जनता तो नया किनेगा, चिन्हे वाला का तो चिन्हिए लिया है 2 बार 3 बार, समझे। बता दें कि जदयू ने अपने निवर्तमान विधान परिषद मनोरमा देवी को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं राजद ने अपने दबंग नेता सुरेंद्र यादव के दामाद रिंटू यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। इसी बीच लोजपा से सत्येंद्र शर्मा के आने के बाद मुकाबला रोमांचक हो चला है। फिलहाल गया से बोलता बिहार की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।